चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जब तक हम अपने मेहमान का इंतजार करें। आज हमारे यहाँ टेक्निकल कुछ डिफिकल्टी है जी। ओ अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। ये गाना कहाँ से आया पता? आई डोंट नो। इंडिया की एक सुपरस्टार है जिन्होंने आपके लिए ये, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की टॉप मॉडल्स आप पे जान छिड़क रही हैं। ये दिशा बता रही है कि आप अगले 5 महीनों में खाली नहीं हैं, हर एक महीने में एक मॉडल आपको प्रपोज करेगी, कुछ आपसे शादियों की आप ऑफर करेंगी और कुछ आपके साथ डिनर करना चाहेंगी। अगर आप कहें तो नाम बताऊं? जी प्लीज। हालांकि उन्होंने मुझे नाम बताने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं नाम ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली हैं बाहर मोवाले से एंजेलिना जूली। ये आवाज़ इनकी देख लें, हॉलो है। हाँ, एंजेलिना जोली जी, हॉलो मैन की हीरो, वो जो हीरोइन है वो भी है। और पाकिस्तानी जो हैं उनका नाम मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वैसे ही बहुत सारे पाकिस्तान में आपके साथ नाम जुड़े हुए हैं, ये एक और जुड़ जाएगा। तो एक दिशा है वो ये है कि आप अपने ऊपर से ये नज़र हटाएं, 1 किलो आप लाल वाली दाल अपने जिस्म पे लगाएं ऐसे करके और उसको फेंक दें। भाई मुझे दे देना, कहाँ फेंकोगे? क्यों, मेरे काम आ जाएगी यार। तुम तो बिल्डिंग खरीद रहे थे, तुम दाल का क्या करोगे? सर सारी जिंदगी फास्ट फूड खाया है मैंने, तो दाल का भी तो मजा लेना चाहिए ना। मेरे मेहमान आ गए जी, थैंक गॉड फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। आज का शो मेरी जिंदगी का यादगार तरीन शो है, मुश्किल तरीन और यादगार तरीन। आई बेटा, सर आप छोड़े। मेरा बता, मैं कमेटियां बेटियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी? आपकी कमेटियां, आप तो वो औरत हैं कि आप अपोजिशन और हुकूमत को आपस में मिला सकती हैं। अपोजिशन भी आपके पास कमेटी डालेगी और हुकूमत भी आपके पास कमेटी डालेगी। इस तरह आपका जो रिश्ता है वो बड़े बड़े लोगों से होगा, बड़े बड़े लोगों के आपको फोन आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है। वो क्या? 5,000 रुपए देने हैं। ऐसा चिल्ला काटूंगा, ऐसा चिल्ला काटूंगा कि बड़े बड़े लोगों के फोन आएंगे आपके पास। टाइम नहीं होगा आंटी आपके पास है? हाँ, जॉर्ज तुम्हारी लाइन है। सर मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें $80,000 देता हूँ। हाँ। तुम मेरा चिल्ला काटो। $8 करोड़ थे जॉर्ज, 8 करोड़। 80,000 का तुम्हारा गेम नहीं है। 8 करोड़ सर, उसका मुंह नहीं है ना इतना महंगा सर, इस हिसाब से ना सर। सीधा सीधा आपकी तरफ मैं आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको देना। वो 80,000 में मर जाएंगे सर, आपको अंदाजा नहीं है सर। मेरे बच्चा मेरी तरफ ही आ जा, मेरे को बता दे कितने दे रहा है। एक मिनट। $80,000 आपको दे रहा हूँ, आप मेरा चिल्ला काटे। मैंने आपका चिल्ला काट दिया। थैंक यू। आप 1,000 जहाज बनाने वाले हो, 1,000 जहाज। आपका अपना रनवे होगा, आपकी अपनी कंपनी आऊंगी जहाजों की, दुनिया भर में आपके जहाज घूम रहे होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद भी जहाज बन जाएंगे। सर ये अभी बने हुए आपको सर आप भी नहीं बताइए सर। क्या बताओ सर? सारी परफॉर्मेंस मालूम नहीं है सर जी, इन्हें मालूम नहीं है। क्या अभी 5,000 जहाज है ना मैंने डोनेट किए। कहाँ? दूसरे मुल्कों को। हवाई जहाज? जी सर। अच्छा, वो पानी के जहाजों की बात कर रहे हैं? वो तो मैंने 7,000 अलग डोनेट किए सर, पानी के जहाज। बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है जॉर्ज भाई। कुछ हीरोइन है जो आपके पीछे हैं। इनके पीछे सिर्फ एक ही हीरोइन है, वो नहीं, और ये भी उसी हीरोइन के पीछे, इसके अलावा किसी चीज के पीछे नहीं है। सर मैं आपके दिल की बात समझता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से समझता हूँ आपके दिल की बात। प्लीज सर, आप एज ए हीरो काम करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मैं आपकी फिल्म में पैसा लगाऊंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगवाना आपसे। सर आपको अंदाजा नहीं है मैं कितना पैसा लगा। मेरी फिल्म में पैसा लगवाओगे? जी सर मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ आपको अंदाजा नहीं है। कितना पैसा लगाओगे? $200 मिलियन लगा सकता हूँ मैं। कितने? $200 मिलियन। मना किया था ना? नहीं। 200 मिलियन? यह किस बात पे? सर आपके लिए, आप जिस हीरोइन को कहेंगे आपके साथ होगी वो हीरोइन। मसलन आप जिसे चाहे, मैं समझता हूँ सर आपकी आंखें मुझे बता रही हैं सर। क्या क्या आप जिसके साथ
काम करना चाहते हैं। और वो कौन है? शकीला। शकीला है ना सर? है ना सर? आप हॉलीवुड की फिल्म में काम करना चाहते हैं ना सर? शकीला आपकी फुप्पू की लड़की है। वली, वली जब तक मेरे कमरे में होता है ठीक है, उसके बाद बीच में नजर रखा करो। मैं बहुत गुस्सा आ रहा मुझे साहब। शकीला सर आप मेरे घर में घुस रही है। शकीला के टेंशन में नहीं ने, शकीला से मेरी मॉम बात कर लेंगी। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ समझ लीजिए, जब तक ये मेरे साथ है तब तक ठीक है, लेकिन जब ये मेरे कमरे से बाहर निकला करे तो इन पे नजर रखा कर। यह तो कोई शख्स हमारे पीछे है। और आप किसी हाथ से कोई चीज खाते वाते, आप तबाह मत करें ना, क्या हो गया आपको? वो बहुत ज्यादा वो है, वो आपको तो आदत है जी सर। हाँ, कोई कोई शख्स कोई आपको अपने हाथ से कुछ देता है क्या? नहीं सर, बस वो नीचे मेकअप रूम में आके सिर्फ पफिंग करता हूँ सर। तो पफ का असर है ये जो आप ऐसे हो जाते हैं शायद। मैं शकीला के साथ काम कर रहा हूँ। शकीरा? शकीरा, शकीरा जी सर, शकीरा। मैं शकीरा के साथ हीरो आ रहा हूँ जी। 200 मिलियन साइड हीरो, हीरोइन आपकी है वो? साइड हीरोइन है, साइड है। मैन हीरोइन का भी आपको नाम नहीं बताया? मैन तो कोई नहीं होता, मेन होता। हाँ, मैन हीरोइन का भी नाम नहीं बताया मैंने। कौन है? कौन है वो? हिंदुस्तान से है। अच्छा जी सर, मुझे तो जाने सर। मैं इतना मारूंगा ना तुम्हें, तुम्हारा अंदाजा नहीं है इस बात का। नहीं सर, आज आप लोग जो शो देख रहे हैं ना, वो मैंने अपनी जिंदगी में वैसा शो सर बूझे मैं यहाँ से करूँ सर। मैं यहाँ से कहूंगा तो देखना, उनको ब्रेक आने तो दो, इसके बाद जो मैं करूंगा। एक आ गया ब्रेक, आ गया। अच्छा जी, एक ब्रेक है सर। सर ब्रेक के बाद ये मैं माइक उतार रहा हूँ, जोर जोर से चल रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे यहाँ अभी इससे बात करनी है। ये इसका, इसको जाने मत देना, इसको जाने मत देना। आज मेरी 2.5 घंटे की मेहनत थी, 2.5 घंटे की। 8:30 बजे से इन्हें बुलाता हूँ कि तुम आ जाना, 8 बजे नहीं आते ये। ये आते हैं 9:10 पर। अभी अभी एक ब्रेक है, आप कहीं मत जाइएगा, आराम है। Alright, Jay, once again, welcome back, and we're still waiting on the net to perform well, ताकि हम बात कर सकें, लेकिन मज़े का शो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने मुझसे कहा है कि साहिर भाई आप एक किसी ने मैं वो शेर क्या सुनाऊँ आपको, बट सुना देता हूँ मैं। इट्स फॉर इरफान, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी। वो मेरे जब्त का अंदाज़ा करने आया था, मैं हंस के ज़ख्म न खाता तो और क्या करता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू रिक्वेस्टेड दैट, सो I did this. हाँ जी रेहान, कैसे हैं आप? जमाल, कैसे हैं आप? सॉरी, ठीक है, आप बताएं। खैरियत? कोई बात नहीं, मैं वली के करीब से तो गुजरा था। जी जमाल, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और कोई कॉल है? कोई कॉल है? अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अभी वो आप कोरोना की बात चल रहे थे, वो जो आपके एस्ट्रोलॉजर एक आए हुए थे सेप्टेम्बर बोल रहे थे, वो सेप्टेम्बर तक खैर प्रेशर रह गई, तो मैंने भी बोला एज इट इज़ जो चल रहा है, और लॉकडाउन दोबारा बंद हो जाएगा, यानी कि दोबारा लग जाएगा। और हम ये लॉकडाउन दोबारा लग जाएगा, दोबारा हो जाएगा 15-20 दिन के लिए। ओ, जून की 15-20 तक दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, बहुत चांसेस हैं। अच्छा एक चीज़ ये है कि, अच्छा ये बताइए इकॉनमी कैसी होगी पाकिस्तान की? इकॉनमी अब 13 के बाद से बेहतर होना शुरू होगी, जो कल से शुरू होगा। ओके, अब रीजन ये, एक टेलीफोन कॉल है जमाल, अगर आप इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नमस्कार। नमस्कार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन चेक नहीं दे रहे हैं। हम देंगे भी नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत कर रहा हूँ, भारत से सनी देओल। साहिर भाई जी, भाई पिंजरे में आकर तो शेर भी बकरा बन जाता है, लेकिन मैं तो फिर भी इंसान हूँ। सारे लोग ऐसी चमक, आज कॉल्स भी ऐसी आ रही,
जी जी भाई, भाई मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग आपसे सारे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, चेक नहीं दे रहे हैं। किसने खा लिया आपके पैसे भाई? हम भी आपसे बहुत प्यार, नाम लूंगा तो तारीख और बढ़ जाएगी साहिर भाई। नहीं, अगर आप नाम लेंगे तो कल से शो नहीं करेंगे। फिर भी अच्छा छोड़े, मेरी वाइफ आपसे बात करना चाह रही है, आपकी बहुत बड़ी फैन है। नहीं बात करूंगा, प्यार करती है। मैं बात नहीं करूंगा आपसे, आपकी बेगम से बात, मुझे बीवियों से बात करते हैं, मेरी बीवी से बात नहीं करेंगे क्या? मैं नहीं बात करूंगा, मुझे पता है ये कौन होंगी, मुझे पता है। नहीं बात कीजिए, ये लीजिए बात कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे साहिर कैसे हो? देखो रोज फोन करती हो साहिर तुमको, रोजाना फोन करती हो, कब तुम्हारा दिल मौन होगा, कब तुम्हारा दिल पिघलेगा, अपने दिल पे से पत्थर हटा लो साहिर, मुझे अपना लो साहिर, तुम्हारे लिए मैं समंदर की गहराई में कूद सकती हूँ, तुम्हारे लिए पहाड़ की ऊंचाई से कूद सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैं बादलों को छू सकती हूँ साहिर, तुम्हारे लिए मैं पैराशूट से छलांग लगा सकती हूँ साहिर। मैं नहीं देख रहा, मैं तो भाई बंद करे, फोन बंद करे इनका भाई। क्या हुआ? गॉड हेल्प मी। राइट, राबिया कुलसुम इज हियर, आई होप कि इनका स्काइप चल रहा हो या हमारा चल रहा हो, वैसे कोई एक बात है। लेट्स से हेलो टू आवर साबिर राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई हैव गॉट वली भाई हियर हु इज प्लेइंग जॉर्ज। वली भाई जॉर्ज प्ले करते हैं, एंड देन दिस इज काला कमेटी वाली प्लेड बाय शानजे, एंड देन रेहान को आपने अभी सुना था कॉल पे, एंड देन आई हैव गॉट जमाल, ये बाकायदा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं और काम करते हैं, बाकायदा काम करते हैं। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन, क्योंकि लाइव इस तरह से परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम होता है, और आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम। बहुत अच्छा जा रहा है, बस ऑल यू हैव टू डू इज स्टे पॉजिटिव, और अच्छी अच्छी सोचें रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ गया, तो रमजान से बेहतर चीज कोई हो ही नहीं सकती आपको पॉजिटिव रखने। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे बताइए, द फिल्म दैट यू हैव डन, क्या नाम है उसका? जी जी, उसका नाम है गवाह रहना। गवाह रहना, एंड वो पीरियड है, कोई पीरियड फिल्म है, 1920s के अंदर सेट है? अच्छा, आई थिंक अगेन इट्स It froze again. Okay. दोबारा से फ्रोज हो गई। हाँ जी, हाँ जी, तो ये अब दोबारा प्लीज़ मुझे कॉल मत दीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के, मतलब इनकी नहीं, इनकी ज़रूर दे दीजिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रबड़ी देवी मुझे कॉल करती हैं हमेशा। जी जॉर्ज। सर मैं ये एक बात पूछना चाह रहा था। पूछिए। ये जो चल रहा है कोरोना, ये कैसे ख़त्म होगा बॉस, ये कुछ बता देंगे आप? मुझे नहीं पता, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। नहीं, अगर कोई डॉलर वॉलर की कमी है तो बताएं, मैं मॉम से बात करता हूँ, 25-30 अरब डॉलर मॉम दे देंगी। हाँ मामा दे देंगी 25-30 अरब डॉलर, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी वालदा 25-30 अरब डॉलर देंगी? आराम से बॉस, कोई मसला नहीं है मामा के लिए। क्या करती हैं आपकी वालदा? यही मुझे नहीं पता सर, वो क्या करती हैं, मारो पैसे बांटती हैं सबको, ये मैंने देखा है बॉस, कभी भी मना नहीं किया उन्होंने मुझे। तुम अपने बड़े बेटे को अपने साथ लाए? सर अभी तो मैं बैचलर हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, सिंगल हूँ।
सिंगल हो? यस सर। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 22। गंजे आदमी, 2001 में तुम पैदा हुए थे, 18 साल उम्र थी। सर ये उसके साथ था। कोई बात नहीं जी, मैंने पूछा ना। ओके ओके सर, आई एम वेरी सॉरी। कितनी उम्र है? 2001 में पैदा हुआ हूँ सर, अब आगे हमें वापसी। 18 साल है। तुम 18 साल के हो? या और तुम्हारी वालदा? 28। अट्ठाईस साल की? या तुम 18 साल के हो? या और तुम्हारी वालदा 28 की? ऑफ कोर्स। तो तुम 10 साल की उम्र में जी, जब उनकी उम्र 10 साल थी, ये मेरे दिमाग में एक्चुअली दर्द हो रहा है। आप लोग ब्रेक देखिए, मैं भी आज पहली मर्तबा इश्तहारात को एंजॉय करता हूँ। सीरियसली जाएं देखें आप।